मार्च महीने की बढ़ती रोज दिन ब दिन की गर्मी, और ये डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो हमारे फूल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और अगर ईश्वर ने मेहरबानी की और टेम्परेचर थोड़ा कम किया रखा तो फिर ये जो लंबे टाइम तक बने रहते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी में इनकी जो नाजुक जैसी पेटल्स जलने लगती हैं और फूलों की लाइफ फिर बहुत ही कम हो जाती है। तो आज मैंने सुबह से बहुत सारे काम किए हैं, जो जिन प्लांट्स पे मेरे सीड्स तैयार हो रहे थे तो वो गमले अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे गार्डन में रखे हुए, उन्हें निकाल के मैंने बाहर कर दिया है, और उनकी जगह जो मैं बहुत सारे जैसे पौध तैयार करती हूँ तो बाहर की तरफ रख देती हूँ कि जब फूल खिलने वाले होते हैं तो इस गार्डन में उन्हें ले आती हूँ ताकि वो मुझे दिखते रहें और इस फूलों वाले गार्डन में जगह भी बनी रहे। तो इतने सारे फ्लावर जो हैं मेरे गार्डन में, बहुत सारे जो खिल चुके हैं उन्हें गमले में जैसे मैं निकाल चुकी हूँ, उसके बावजूद भी मैं गिनती कर रही थी, नज़र मार रही थी तो मुझे 65 तरह के फूल दिखाई दिए हैं जो कि अभी खिल रहे हैं इस टाइम। और हाँ, उनमें से 2-3 हो सकते हैं जो बिल्कुल खिलने वाले हैं, तो अभी मैं बताती हूँ वो। और वैसे तो मैंने सारे फूलों के नाम आपको बताए हुए हैं, दिखाए हुए हैं, तो जो फूल आपने देखे नहीं हैं, मतलब कम देखे हैं, तो उनकी मैं पिक्चर दिखा दूँगी आपकी, और बाकी आप तो फिर नाम मुझे पूछ सकते हैं कितने नंबर पे कौन सा जो फूल है। सबसे पहले तो हम 65 तरह के फ्लावर्स के नाम की जो लिस्ट जान लेते हैं कौन कौन से अभी खिल रहे हैं। तो नंबर 1 पे एक्रोक्लाइनम, बहुत टाइम से मेरे गार्डन में ये खिल रहा है, जैसे कि पेपर फ्लावर भी कहा जाता है, और होली होक मेरे गार्डन में खूब सारे खिल रहे हैं। नंबर 3 पे स्वीट एल्सम खिल रहा है, डॉग फ्लावर खिल रहा है, और 5 नंबर पे आर्क टोटीज, जिसे कि ब्लू आइड भी कहा जाता है, वो खिल रहा है। फिर इंग्लिश डेजी मेरे गार्डन में खिल रहे हैं, ब्रैकी कोम जिसे कि स्वैन रिवर डेजी भी कहा जाता है, वो भी मेरे गार्डन में अभी खिल रहे हैं। बाकी कैलेंडुला भी मेरे गार्डन में खिल रहा है। तो अगला जो मेरा फ्लावर है वो है एस्टर, और उसके बाद मेरा आता है कॉर्नफ्लावर। तो कॉर्नफ्लावर ये सब आपने खूब लंबे टाइम से मेरे गार्डन में खिलते हुए देखे हैं। और अगला जो फूल मेरे गार्डन में आता है वो है स्वीट सुल्तान, तो स्वीट सुल्तान भी मैंने दिखाए हुए हैं। और अगला फूल है 12 नंबर पे जो वॉलफ्लावर आता है, और अगला फूल जो है वो एनुअल क्रिसेंथिमम, और अगला फ्लावर है जो मेरा सिंड्रेरिया। तो ये सिंड्रेरिया देखिए बहुत ही प्यारे लगते हैं, और अगला फ्लावर है ये क्लार्किया, जिसे कि माउंटेन गार्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। और अगला मेरा फ्लावर है जो ये लार्क्सपर, ये देख रहे हैं ये भी बहुत सारे रंगों में होते हैं और मेरे गार्डन में ये भी खूब खिल रहे हैं। हाँ, अब आया डाइंथस। तो डाइंथस जो हमारे 3 तरह के होते हैं, अलग अलग होते हैं सब, ये भी अलग है, ये है डाइंथस जो है स्वीट विलियम, तो ये भी कई रंगों में पाए जाते हैं। और अगला फूल डाइंथस का बताऊँ वो भी अलग है, ये है बारीक बारीक पत्तों वाले, तो ये कार्नेशन, डाइंथस डाइंथस के ही हैं बट ये अलग फूल हैं, कार्नेशन के ये अलग होते हैं, तो ये अलग है। और अगला जो फ्लावर है डाइंथस में ही आते हैं, और ये जो है इंडियन पिंक भी इनको बोला जाता है, इनको चाइनीज पिंक भी कहा जाता है, इनको जैपनीज पिंक भी कहा जाता है, और भी कई नामों से जाना जाता है, बट ये जो डाइंथस के 3 अलग अलग होते हैं, कार्नेशन, इंडियन पिंक और स्वीट विलियम। अगला जो फूल है ये मेरा खूबसूरत डाइमोर्फोटिका, जिसे कि अफ्रीकन डेजी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हो गए एक वाइट और ब्लू कलर वाले, और ये भी डाइमोर्फोटिका, हाँ ये ऑरेंज और येलो वाले कलर है इनका। तो अगले जो फ्लावर्स हैं इनमें सीड भी तैयार हो रहा है, ये कैलिफोर्निया पोपी, ये देख रहे हैं ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत, ये मेरे गार्डन में खिल रहे हैं। ये गजानिया, अब इसकी जो है लाइफ होने जा रही है, तो ये गजानिया भी खिल रहा है इस तरह से, और कई अभी पौधों पे, नए पौधों पे खूब सारी बर्ड्स आई हैं, तो बहुत जल्दी नए फूल आने वाले हैं। हाँ, अगला जो फ्लावर बताऊँ मैं, बहुत जल्दी उस पर फूल आने वाले हैं, बर्ड्स आ गए हैं,
तो गुडेशिया, ये देखिए गुडेशिया पे खूब सारे ये बर्ड्स बन चुके हैं और अभी फूल आना इन पे बाकी हैं, फूल आए नहीं हैं तो बस अभी आएंगे इस पे। तो ये भी जो क्लार्किया भी बोला जाता है, तो सेम फैमिली से है ये जो हमारा माउंटेन गार्लैंड जिसे बोला जाता है क्लार्किया, एक ही फैमिली के हैं ये और गुडेशिया। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अगला जो फ्लावर है हमारा, ये खिल रहा है मेरे गार्डन में, जिप्सोफिला, जिसे कि बेबीज ब्रेथ के नाम से भी जाना जाता है। और इस पे जो कई सारे पौधे मैंने पहले लगाए थे वो खिल चुके हैं और ये अभी खिल भी रहा है और सीड भी तैयार हो रहे हैं। हाँ, पेपर फ्लावर जो हेलिक्राइसम भी अभी लगे हैं बट अभी वो खिले नहीं हैं। तो ये अगला फूल हो गया मेरा, तो हेलिक्राइसम का भी खिलने का इंतजार है। हेलिक्राइसम को पेपर फ्लावर भी बोला जाता है। ये है हमारे कैंडीटफ, ये भी अभी गार्डन में मेरे खूब सारे जो खिल रहे हैं। और ये मेरे गार्डन के बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स, जो स्कारलेट फ्लैक्स, अलसी जिसे बोला जाता है, रेड कलर के फूलों वाली जो अलसी, तो ये डेकोरेशन के तौर पे इसे लगाया जाता है। ये खाने वाली अलसी नहीं होती है, तो बहुत ही खूबसूरत इसके फूल अभी खिल रहे हैं। तो ये मैंने बाद में नवंबर के जो पहले हफ्ते ग्रो की थी, तो ये अभी खिल रहे हैं और पहले वाली जो खिल चुकी। अगला जो ये फ्लावर है हमारा, कॉमन मेलो, जिसे कि जेबरीना होली हो के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके फूल बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो शाम का टाइम हो गया है और ये मेरा गार्डन कुछ इस तरह से ये अभी दिख रहा है। ये जो अगले फ्लावर्स हैं, ये स्टोक फ्लावर, जो कि मैंने उगाओ वेबसाइट से मंगवाए थे, तो तीन रंग के ये निकले हैं, एक ये कलर है और एक ये लाइट कलर। अगला फ्लावर है ये मेरा आइस प्लांट, ये भी बहुत ही प्यारे बढ़िया लगते हैं। ये भी कुछ खिल रहे पर चिड़िया इनके जो पेटल्स हैं खाई जा रही हैं। आगे मेरे गार्डन में मैंने पुराने सीड्स झाड़े थे, तो एक निमेशिया का भी पौधा निकल आया है, तो उस पे भी इंतज़ार है मुझे कि फूल आने पे, अभी फूल आए नहीं हैं। अगला जो फूल है मेरे गार्डन में खिल रहे हैं, ये नाइजेला, जिसे कि कलौंजी के नाम से जाना जाता है, तो ये है कलौंजी और पोपी इसमें अपने आप ही उग आए हैं। तो ये देखिए, ये भी मैं हर साल ग्रो करती हूँ, तो इजीली ग्रो हो जाते हैं, घर में जो मसाले पड़े होते हैं उन्हीं से ये ग्रो हो जाते हैं। अगले जो मेरे गार्डन में फ्लावर हैं, तो ये देख ही पा रहे हैं आप, पोपी के फ्लावर हैं ये, इसे कि पोपी के नाम से जैसे जाना जाता है, इसे कॉर्न पोपी भी बोला जाता है और शर्ली पोपी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक ही चीज़ है ये, अलग अलग नहीं है ये, ऐसे चाहे शर्ली पोपी कह लीजिए चाहे कॉर्न पोपी कह लीजिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये। अगले जो फ्लावर है मेरे गार्डन में, खूब सारे ये पिटूनिया खिल रहे हैं। अगला जो फ्लावर है मेरे गार्डन में, ये फ्लोक्स खिल रहे हैं इस तरह से, ये देखिए आप। और अगले ये वाले जो फ्लावर्स हैं लेडीज लेस, तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, तो बॉर्डर के तौर पे ने लगा सकते हैं। कई भाई बहनों ने बोला कि जब मैंने ग्रो किए थे तो इसका अपडेट ज़रूर दें, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये दिखाए हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, और बोगनविलिया के साथ साथ ऐसे गार्डन में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये देखा। तो अगला जो मेरा फ्लावर है, ये रूमेक्स, जिसे कि ब्लैडर डॉग के नाम से भी जाना जाता है, तो ये देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं, फूल ही फूल इसके दिखते हैं, तो इसके भी कॉन्टेस्ट में मैंने सीड दिए थे, बहुत ही खूबसूरत। तो ये भी मैंने गार्डन में ऐसे ग्रो कर रखा हुआ, शाम का टाइम अब ठीक नहीं आ रहा कुछ। अगले ये जो फ्लावर हैं, ये साल्विया, आपके सामने ही ग्रो किए थे मैंने, तो ये भी मेरे गार्डन में खूब खिल रहे हैं। शाम होने जा रही है और मुझे लग रहा है ऐसे मैं फूल दिखाने लगी तो वीडियो बहुत जो है लंबा हो जाएगा। और अगला फूल जो है सपोनेरिया, तो वो मेरे गार्डन में आपने बहुत बारी देखा है खिलते हुए, और
सपोनेरिया को सोप बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। और अगला फूल है मेरा नेस्टेशियम, तो अगर टाइम रहा तो मैं दिखाऊंगी, बहुत बारी आपने मेरे गार्डन में लगा देखा है। और अगले जो, तो ये खूबसूरत जो वैनेडियम, ये देखिए ये वैनेडियम ये है, ये खूब गार्डन में आपने मेरे खिले हुए देखे होंगे। ये अब शाम होने जा रही है तो ये बंद होने जा रहे हैं, तो अब इतना मज़ा इनके फूलों का शाम के टाइम नहीं रह जाता है। अगले फ्लावर्स हैं ये मेरे गार्डन में कलरफुल, ये बहुत ही रंगों में पाए जाते हैं, वर्विना। और ये पेंजी, ये पुराने जो लगे हुए जीनिया भी खिल रहे हैं, ये विंका भी खिल रहे हैं, तो विंका भी आप देख रहे होंगे मेरे गार्डन में खिलते हुए। इस तरह से ये मेरा गार्डन आ रहा है, धूप बहुत तेज है इस तरफ और इधर उधर से जा रही है। और ये मेरे गार्डन में खिलते हुए कॉसमोस, ये देख रहे हैं इस तरह से ये कॉसमोस, और येलो और दूसरे वाले भी खिल रहे हैं। अगला जो फ्लावर है ये ग्लाडिया, खूब अच्छे से खिल रहा है। तो ये पुराने पौधे हैं जो आपके सामने मैंने काट छाट की थी, तो झुंड में अगर रखे हों तो बहुत अच्छे से ये खिलते हैं। तो ग्लाडिया को जो ब्लैंकेट फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। अगले फ्लावर जो मेरे गार्डन में मैरीगोल्ड कई जगहों में खिल रहे हैं, अगले फ्लावर जो हैं मेरे गार्डन में वो ओलियंडर, अभी जो कनेर जिसे भी बोला जाता है, तो वो अभी खिलना शुरू हो गए हैं, तो वो फिर मैं किसी दिन आपको दिखा दूँगी, और नहीं तो वीडियो का फिर बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अगले फूल हैं ये काफ़ी लंबे टाइम से खिलते हुए वर्जीनिया स्टोक, ये बहुत बारी आपने मेरे गार्डन में देखे हैं। अगले फ्लावर जो ये हैं पेरिस डेजी, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और लंबे टाइम तक चलते हैं। और ये अगला फ्लावर है जो जर्मन कैमोमाइल, ये भी खिल रहे हैं। और अगला फूल है ये मेरे गार्डन में कई सारे कैलन कोई खिल रहे हैं, और साथ में जर्मन कैमोमाइल, ये लंबे टाइम से रोज़ खिल रहा है। और ये लंबे टाइम से मेरे गार्डन में बोगनविलिया भी आपने खिलते हुए देखा हुआ, सामने दिख ही रहा होगा। तो ये इतने फ्लावर्स हो गए। अभी आगे ये धूप इधर जा चुकी है, ये यूफोर्बिया मिली भी खिल रहे हैं, जिससे कि क्राउन ऑफ थॉर्न्स भी कहा जाता है, तो एक ही चीज़ है। तो अगले जो फ्लावर्स हैं मेरे गार्डन में ये बिजी लीजी खिल रहे हैं, तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इस पर वीडियो भी बनाया था, तो इसे इम्पेशेंस भी कहा जाता है, बालसम भी बोलते हैं इसे, एक ही चीज़ है। ये अगला फ्लावर जो है मेरे गार्डन में पीच खिल रहा है, आड़ू, जिसे कि आड़ू भी बोला जाता है, तो ये पीच का फ्लावर कितना सुंदर। अगले जो फ्लावर्स हैं मेरे गार्डन में स्लीपिंग हिबिस्कस, वो मेरे गार्डन में बहुत पूरा साल भर ही खिलता रहता है, तो नीचे गार्डन में वो खिल रहा है, टाइम मिला तो मैं किसी दिन फिर से आपको ज़रूर दिखा दूँगी, वो तो वो भी मेरे गार्डन में खूब खिल रहा है। ये क्यूट सा जो है सिलोशिया भी खिल रहा, तो ये भी पुराना पौधा है सिलोशिया का, भी मैं मुझे निकाल देना है ऐसे। और ये कई महीनों से खिलते हुए डंकीज़ एयर, ये मेरे गार्डन में कई सारी जगहों में लगे हैं। हाँ, एस्टर के फ्लावर्स भी अभी दिख गए तो मैं दिखा दूँ, क्योंकि शुरू में मैंने दिखाए नहीं थे, तो वीडियो मुझे लग रहा फिर मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगला फूल है ये बिगोनिया, भी मेरे गार्डन में खूबसूरत बिगोनिया खिल रहे हैं, और भी खिल रहे हैं, मैं किसी दिन इस पर वीडियो भी बनाऊंगी। तो शाम हो चुकी है, ये मेरे गार्डन में बहुत लंबे टाइम से ये जो पत्थर चट्टा खिल रहा है, तो इसमें देखो वो भी बैठा हुआ है, गिरगिट बैठा हुआ है, पत्थर चट्टा के फूल, जो किडनी वगैरह में स्टोन हो जाता है ना, तो वो पता नहीं लोग खाते हैं इसको, ऐसे इस्तेमाल करते हैं, पर जब भी इस्तेमाल करें तो किसी से पूछ लें, जानकार से, ऐसे ना, उसके फूल हैं ये बड़े लंबे टाइम से, तो अब ये सूखने लगे हैं फूल। ये मेरे फाउंटेन ग्रास भी, इस पर भी फ्लावर्स जो हैं आना शुरू हो गए हैं, ये देख रहे हैं आप ऐसे। ये एमरंथस भी खिल रहे हैं, ये भी खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने वैसे 65 मेरे को याद आए थे कई सारे फ्लावर्स हैं, और मेरे को याद आ गया अभी जेरेनियम पे भी मेरे बर्ड्स बने हुए हैं, बहुत जल्दी, खिला तो नहीं है पर बहुत जल्दी वो भी खिल जाएगा। तो इस तरह से मेरा गार्डन अभी खिल रहा है, अगर ईश्वर की कृपा रही तो कम, अगर धूप बहुत तेज रही तो ये एकदम से ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो ये कुछ दिन बना रहेगा। अब उस तरफ से देख रहे होंगे, उस तरफ छाया आ गई है,
तो ऐसे दिख रहा है गार्डन फूलों भरा। ये आर्कटोटिस का भी मैं फ्लावर दिखा देती हूँ, जिसे कि ब्लू आइड के नाम से भी जाना जाता है। और एस्टर ये भी है मेरे गार्डन में पिंक वाले। ये इंग्लिश डेजी मेरे खिल रहे हैं, ये मेरे ब्रैकिकोम खिलना स्टार्ट हो गए हैं, कई रंगों में ये पाए जाते हैं। ये ब्रैकिकोम को स्वैन रिवर डेजी के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्वीट एल्सम, ये डॉग फ्लावर इस तरह से। तो मेरा ख्याल है, मैंने कोशिश की है कि मैं फूलों के साथ दिखाऊं, फूल मैंने दिखाए हैं, वीडियो लंबा हो गया है। ये पिटूनिया खिलते हुए और ये होली होक इस तरह से खिल रहे हैं ये मेरे गार्डन। शाम हो गई और मेरी जो है ये शेडो पड़ रही है, अच्छी नहीं आ रही पिक्चर फिर इसमें गार्डन में, ये देखिए ऐसे। तो मेरा ख्याल है आपने मेरे गार्डन को, जाती बाहर के गार्डन को एंजॉय किया होगा इस तरह से। जितनी तेज धूप आएगी बस गार्डन हमारा फिर ख़त्म होने वाला है। ये माउंटेन गार्लैंड भी बहुत अच्छे लगते हैं क्लार किया। इस तरफ छाया आ गई है। हाँ, मुझे लग रहा है एक फूल मैंने और भी, मेरे को कैमरा घुमा रही हूँ तो मुझे याद आ गया, मैंने वो स्कैबियोसा तो बताया ही नहीं, इतना मेरे गार्डन में खिल रहा है। स्कैबियोसा के फ्लावर्स भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तो ये देखिए स्कैबियोसा, जिसे कि पिन कुशन के नाम से भी जाना जाता है। ये हैं, ये अब छाया हो गई है, तो किस तरह से ये दिख रहे हैं क्लियर नहीं आ रहे। तो ये मेरा जाती बहार का स्प्रिंग गार्डन। अब फिर आगे फिर जब बनेगा बनेगा, क्योंकि अब जैसे अभी गर्मी आनी है तो ये सब का सब हमारा ख़राब हो जाना है, पूरे के पूरे फूल हमारे जो इतनी मेहनत वो सब। तो बस इन्हीं फूलों को देखने के लिए और हम मेहनत करते हैं, और बहुत ही खुशी मिलती है जब ये गार्डन में खिलते हैं, तो मन करता है पूरा टाइम बस बैठे ही रहें। क्यूट सा पॉपी। ये गेंदा के मैंने कुछ सीड डाल दिए थे तो अब नए फूल खिलने लगे।